खबर शिवपुरी के जिला अस्पताल से आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल में एक 17 वर्षीय अविवाहित लड़की के यहां प्रसव हुआ है। नाबालिग लड़की ने आज शाम 7 बजे एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि लड़की के परिजनों के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर भी यह समझ नहीं सके कि लड़की 9 माह की प्रेग्नेंट है। इस कारण उसे पेट दर्द की शिकायत पर आज सुबह 6 बजे सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया गया था और आज शाम 7 बजे सर्जिकल वार्ड के पलंग पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक लगी, तब तत्कालीन जच्चा बच्चा को गायनिक वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ठाकुरपुरा में 10वीं क्लास की स्टूडेंट का आज सुबह घर पर सुबह 4 बजे पेट दर्द की शिकायत हुई। पेट दर्द होने पर उसे सुबह 6 बजे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उसका चेकअप कर उसे सर्जिकल वार्ड, जो कि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित है, उसमें भर्ती करा दिया। आज दिन भर से उसे बोतलें चढ़ रही थी। लड़की को धीमा धीमा पेट दर्द बना रहा था। आज शाम अचानक 7 बजे के करीब सर्जिकल वार्ड में भर्ती लड़की को तेज दर्द हुआ और उसने सर्जिकल वार्ड के पलंग पर ही बिना किसी डॉक्टर की सहायता के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसकी माँ उसके पास थी, वह भी और उसकी डिलीवरी होने वाली है। जब अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक लगी, तत्काल प्रबंधन ने उसे गायनिक वार्ड में भर्ती कराया और जच्चा बच्चा का चेकअप किया। बताया जा रहा है कि लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी अविवाहित माँ भी को उसकी माँ पेट दर्द में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, पेशाब में जलन की समस्या के साथ लेके आए थे। उससे पहले वो उसको मेडिकल कॉलेज भी लेके गए थे इसी समस्या के साथ। नहीं जी, मैं और अजय दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, तो ऐसे हमारे संबंध बन गए थे। उसने मुझे शादी की बोला था, मैंने भी उसे बोला था शादी की, तो उसने मुझे बोला था, मैंने भी बोल दिया था उसे, और एक दूसरे के हमारे संबंध बन गए थे। ऐसी बात कब मिले थे आप अजय से? अजय से मैं 2-3 साल हो गई है। 2-3 साल जब से बात चल रही है हमारी। अच्छा, तो आपके बच्चा हुआ है पूरे 9 महीने का हुआ है, तो ये आपका जो कहते हैं जो आपसे संबंध बनाए थे उसने, वो कहाँ बनाए? अपने घर पर बुला के बनाए या कहीं और? नहीं, वो तो कहीं भी नहीं जाता था मुझे। अच्छा, घूमने ले जाता था। अच्छा, घूमने ले जाता था कहीं भी। अब क्या कह रहा है जी? अब कुछ कह रहा है? अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब वो ये बोला है कि मैं मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। आपको जानते ही नहीं है? तब आप क्या करोगी? मैं तो उसी से शादी करूंगी, उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर उसने शादी करने से मना कर दिया तो फिर? मैं तो उसी से शादी करूंगी, लेकिन नहीं, अगर वो शादी करने तैयार नहीं हुआ आपसे तो फिर क्या करोगी? क्या पुलिस को कंप्लेंट करोगी? हाँ करूंगी, पुलिस को कंप्लेंट की जाएगी, है ना? तो आपकी अभी डिलीवरी के बाद क्या कहते हैं अजय से या अजय के परिवार वालों से कोई बातचीत हुई आपकी, आपके परिवार वालों की? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।